Hi guys, welcome to your favorite channel, Jay and Zoe. So guys, काम खत्म करके हम आ गए हैं दिल्ली वापस. टेम्परेचर है 36 डिग्री और टाइम हो गया रात के 11:45. तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. तो हम हमेशा आपके लिए ना एक रॉ चीज़ ले जाते हैं, रॉ व्लॉग. तो अभी भी सीधा मैं बेड से उठाऊँ, शिवाय को मन्नी के हाथ में दिया है. मैंने कहा मन्नी तू भी प्यार कर ले. और हे डोंट डू दैट लोडो, तो घर पे खाना मिलता है ना. पार्क में आके डोंगों में मुंह मार रही है, देख लो अपना मुँह. हे यहाँ पे खाना कॉलोनी वाले डाल के गए हैं दही, पर कोई खाने वाला नहीं है. तो इनको लगा कि दही हम ही खा लेते हैं, पर इसलिए मैंने इनको डांटा है अभी. तो गाइज, आपने अगर हमें मिस किया, एटलीस्ट मुझे मिस किया दो दिन, तो प्लीज़ लेट मी नो. बाकी क्योंकि मैंने तो बहुत मिस किया. मैंने तो, आप ये लगाओ, जब कैमरे से तुम बात नहीं करते हो बड़ा अजीब सा हो जाता है. थोड़ा रिफ्रेशिंग था, बड़े दिन से कर रहे थे, 200 समथिंग व्लॉग हमने इकट्ठे किए, बट दो दिन का जो ब्रेक लिया ना वो बहुत ज़रूरी था. बाकी आज आप सबके कमेंट सेक्शन में लूँगा, क्योंकि एज़ प्रॉमिस्ड लास्ट से कि मैं सबके कमेंट सेक्शन ज़रूर लूँगा. तो बस कुछ नहीं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, ऑफिस जाना है. इनको मैं ले आया हूँ यहाँ पर, ये सारे के सारे देख लो मेरे साथ है, है ना. सुनो, हे गो. और तीनों के तीनों भाग गए. बब्बे बब्जी तो सारी दही खा गया. हाँ जी, बस करो मेरे बच्चे, पैर में आके ना बॉल रख देती है बार बार. लोडो. तो फाइनली जिस चीज़ के लिए ना हमने फेचिंग सिखाई थी क्लोडो को ना, वो चीज़ ना आज मुझे लग रहा है कि पूरी हो गई है. मैं आपको ना इसकी मूवमेंट और क्विकनेस और अलर्टनेस दिखाना चाहता हूँ. ये बॉल देखिए आप कितनी अलर्ट है. ये देखो, ये देखो, आप देख रहे हो ये कितनी अलर्ट हुई है. इसका मतलब इसकी प्ले ड्राइव ना फुल ऑन है इस टाइम, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी हुई है. हे सेट, गुड गोल. ये देखो, ये ओह ले गई ना. तो आपको दिख रहा है कितनी हो गई है. तो अब इसको ना जो ट्रेनिंग हम फूड रिलेटेड दे रहे थे, जो हम इसकी खाने को ललचा के इसको ट्रेन कर रहे थे, अब हम बॉल ललचा के भी कर सकते हैं. तो अब इसकी प्ले ड्राइव बहुत स्ट्रांग हो गई है और फूड ड्राइव मुझे लग रहा है कम हो गई है. ओह ये देखो, हे नाउ, ये अब वो बॉल गई, भाग गई, कहाँ जाके भागी. गुड गोल. ओए होए होए. सो आज रॉटवाइलर्स फेचिंग करने के बाद थक गए हैं, तीनों के तीनों इकट्ठे हो गए हैं. और यहाँ पर हमारी जर्मन शेपर्ड जोई, ये भी पैक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इतनी ज़्यादा थक गई है कि अब हम इसको और नहीं खिलाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. तो ये देखो, खड़ा होने का पोस्चर देख रहे हो आप. जोई, क्या हुआ मेरा बच्चा, थक गई है. ये देखो कैसे खड़ी है, है ना जोई. हाँ मेरा बच्चा, गुड गोल मेरा बच्चा, गुड गोल. और मेरे हाथ की हालत देख रहे हो आप, है ये देखो. ए डॉग्स के साथ, अगर आपके घर में एक से ज़्यादा डॉग है तो ये प्रॉब्लम रहती है. आपके कोई भी अच्छा कपड़ा आप पहन ही नहीं सकते, सब एक जैसे ही दिखते हैं. चले, थक हार के पूरा मिट्टी में लिपट के देख लो, पैर देख रहे हो, सारे के सारे आ गए हैं. और जोई ने कमरे के बाहर जाके बैठ गई है कि मुझे एसी में बैठना है, मुझे अभी बाहर नहीं बैठना. बट मैं इनकी पूरी आदतें अभी थोड़ी सी ना संभालता रहता हूँ. ये देखो वो बैठी हुई है. जोई कम आ जाओ, इधर आओ, अंदर नहीं जाना अभी.
और यहाँ देख लो बिल्कुल मम्मी और डॉटर। थोड़ा सा गीला सरफेस देख के बैठ गई, पर मैं आपको इस टाइम क्लोडो की हालत दिखाता हूँ। मिट्टी से देख लो बिल्कुल क्या हाल हुआ है इसका, है पूरा मिट्टी मिट्टी हुई हुई है। तो आज नहलाने का कार्यक्रम होगा ही होगा, है ना, होगा ना, क्यों हमारी क्लोडो का होगा। अच्छा अरे यहाँ मम्मी को देखा, हाँ बॉल नहीं मिलेगी अब खेल आए हो तो, ठीक है ना। ओए होए आज तो तू ना चाय पीनी छोड़ दे, समझ आ गई। देखो तो दही दिया ना मम्मी ने, दही खा ले चुपचाप। ये ना दादा दादी को ना चाय पीने ही देता, उनके कप में हाथ मारता है, देख रहे हो आप। नहीं मत देना नहीं, बेटा दादू छीन भी नहीं पाएंगे तुझसे, है ना। वो देखो मम्मा डांटो आप इसे, अपनी दही खाओ शिवाय, दही खाओ आप। हाँ वेरी गुड, सिर्फ दही खानी है, चाय नहीं पीनी आपने। पता है चाय का चस्का नहीं है इसको, बेसिकली ये है कि आप पी रहे हो ना तो कोई चीज़ अच्छी होगी। बस कर, पैर के ऊपर पैर रखता है ये मम्मी, इसकी आदत ना नानू और मैंने डलवाई है। अच्छा हाँ रुक जा, अभी देती नहीं, हाथ जल जाएगा, गर्म है कप बेटा। आपको क्या लगता है मम्मी, एसी फेल है? आगे बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो ये एसी सारे वेस्ट जाएंगे हमारे, आगे नए नए करेंगे, टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी। ये जो लो कॉस्ट वाले एसी कंपनीज है ना, मतलब अब एसी अच्छा अगर लेना हो तो 60-70 हज़ार तक का आएगा। आप सोचो 30-40 हज़ार में एसी उठा लो और वो काम कर निकाल देगा, अब नहीं निकालेगा दिल्ली का। दिल्ली में घर हाँ 50,000 में टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी, दे हैव टू मैच ओरिजिनल सो एज प्रोमिस्ड आपके सामने मैं आ गया हूँ कॉमेंट सेक्शन लेके। 85 कॉमेंट्स हैं, सारे लेंगे क्योंकि अब मैं शुरू कर रहा हूँ कॉमेंट्स। कौशिक 1823 कह रहे हैं, भाई प्लीज़ कॉमेंट नहीं लिया तो नो प्रॉब्लम, बट रिप्लाई फॉर दिस, वाई डेंट यू सेपरेट बब्जी फ्रॉम ओला हैज़ यू डू वेन शी इज़ इन हीट, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पेट पेरेंट के लिए। तो उनका कहने का मतलब है आपने ओला को बब्जी से सेपरेट क्यों नहीं किया। अगर आप आज की बात कर रहे हैं तो ओला इज़ नॉट ऑन हीट, इसलिए हम सेपरेट नहीं कर रहे। बेसिकली जब सूडो प्रेगनेंसी होती है डॉग के अंदर, स्पेशली जो लेडी ओली के अंदर दो बार से हो रही है, उसमें क्या होता है बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज होता है, उसकी वजह से इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट में से एक फ्रेगनेंस आती है, या फ्रेगनेंस कह लो इनके लिए, या स्मेल आती है, आप जो भी कहना चाहते हो, और वो मेल डॉग को अपनी तरफ खींचती है। तो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन लेडी ओली की बॉडी से निकल रही है और बब्जी के पास जा रही है, इसलिए वो मेट कर रहा है, पर लेडी ओली को अंदर से पता है कि शी इज़ नॉट ऑन हीट, तो वो चढ़ने ही नहीं देगी उसको अपने ऊपर, इसलिए इन दोनों की लड़ाइयाँ हो रही थी। और अब वो स्मेल ख़त्म हो गई है तो अब वो दोनों अलग अलग बैठते हैं, और जैसे ही हीट आती है हम अलग कर देते हैं। और कभी बाय चांस, जैसे आप देखोगे पिछली बार जो डिलीवरीज हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि लेडी ओली की जब हीट आई थी तो हमने कैमरे में चेक किया था, हम बाहर थे, पहले दो दिन रात को मीटिंग हो चुकी थी, तो मैं अलग कर भी देता तो मेरे हाथ में नहीं था। और लोग बहुत समझदार मेरे को ये बोल रहे हैं कि आप बब्जी को न्यूट्रल करा दो, तो प्रॉब्लम ही ख़त्म, आपके घर में सारी फीमेल्स हैं। मैं बब्जी को न्यूट्रल नहीं कराऊंगा, एक स्पेसिफिक एज के बाद कराऊंगा, 5 या 6 साल के बाद, ठीक है। न्यूट्रिंग की भी बहुत ज़्यादा ही साइंटिफिकली प्रूवन डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं बब्जी की हेल्थ के साथ नहीं खेल सकता। हाँ अगर बच्चे होते हैं मेरे ऊपर आती है बात, मैं आगे बांट देता हूँ या उनको सेल कर देता हूँ ओनर देख के, ठीक है। तो ये मेरा टेक है, अगर आपके पास मेल फीमेल है तो आप अलग करना चाहते हो आप करो, अगर मेट कराना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो फिर उसके बाद। पहला कमेंट बहुत लंबी बात कर ली मैंने, अगले पे जल्दी जल्दी भागते हैं। यूवेंटू आनंदपुर साहब नहीं जी, तो अगला कमेंट है, प्लीज़ टेक माय कमेंट, आई हैव अ डॉग नेम लियो ब्रीड,
Lhasa, another dog hai, Ethna, beagle hai. Leo has fallen in love with Ethna. He just wants to impress her. He was very aggressive before. Now in love of her, he bit me 3 times every year. He bit me one and he bit my whole family once. 2 se 3 saal pehle we bought him. He was so aggressive. Old owner usko maarta tha. Wo reason hai. Aur Ethna meri bua ke paas hai and अच्छा इसके अंदर आप मेरे से कोई सजेशन नहीं मांग रही हो, जस्ट टेलिंग मी ए स्टोरी. ओके गॉड, अच्छी बात है, बढ़ाओ प्यार. एकता मेहरोत्रा, राहुल भैया 2 डेज से आपका व्लॉग नहीं आ रहा है, जल्दी व्लॉग डालो. तो आज एज प्रॉमिस वेडनेसडे को आपको व्लॉग मिल गया. फाइनली टुडे आई वॉच द नमितोलॉजी फैमिली व्लॉग्स, आई हैड नॉट बीन एबल टू वॉच इट. हेमंत थैंक यू. बब्जी को आप लोग भैया न्यूट्र कब करा रहे हो? कभी भी नहीं करा रहा भाई, मेरा बस चले तो मैं कभी भी नहीं कराऊंगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिडिकुलस नहीं, मैं नहीं उसको न्यूट्र कराऊंगा. ठीक है, और मैं नहीं चाहता उसकी हेल्थ के साथ नेचुरल, क्योंकि हम आपने देखा होगा कि जब हम उसकी मीटिंग भी होती है तो नेचुरली करने देते हैं. बच्चों के लालच में एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाते. एनिमल क्रुएल्टी मैं नहीं करता, और न्यूट्रिंग कराना भी एक एनिमल क्रुएल्टी है. जिसने मुझे कमेंट किया है राजेश सिंह, राजेश जी बुरा मत मानना, अगर आपको कोई पकड़ के न्यूट्र करा देना तो आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे ना, समझ रहे हो ना, माइंड का खेल है. मेरा माइंड किस वेवलेंथ पे चल रहा है आप कभी भी मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे पास ये मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे कुत्ते नहीं हैं, समझ रहे हो. और मैं आपको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें बताता हूँ, बट मुझे 33 साल का एक्सपीरियंस के साथ ना 5 साल की सर्टिफिकेशन भी है डॉग बिहेवियर के अंदर. मैं वेट की बात नहीं करूँगा, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपने बच्चों को कोई भी सर्जरी में नहीं लेके जाऊँगा. अमन अरोड़ा, मनी बाबी इज़ वेल नाउ एंड प्राउड पेट पेरेंट ऑफ बब्जी आफ्टर सिंग. हाँ हाँ हाँ, कूडोस राहुल वीर जी. थैंक यू अमन, लॉट्स ऑफ लव. राहुल वीर जी प्लीज़ कैन मेक, आपका कमेंट वैसे ही हमने पढ़ लिया था, हम ट्रेन में थे कल, हम सारे कमेंट्स ही पढ़ रहे थे. तो अमन अरोड़ा थैंक यू सो वेरी मच. डेली व्लॉग्स आएंगे भाइयों, वी लाइक योर व्लॉग्स अलॉट. राहुल भैया आप बहुत अच्छे डॉग ओनर हो. थैंक यू मीनाक्षी जी. राहुल ब्रो बिजनेस मीटिंग का अटायर दिखा देना. भाई साहब मेरी बिज़नेस मीटिंग मेरे हिसाब से होती है, मेरी बिज़नेस मीटिंग किसी और के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि आई एम ऑलवेज अ बायर बिकॉज आई सेल माई स्टफ़ ऑनलाइन, जिसके अंदर मेरा थोपड़ा मेरे कपड़ों की कोई अहमियत नहीं है. मोर ओवर आई एम नॉट दैट बिग बिजनेसमैन कि जिसको अटायर की बहुत ज़रूरत पड़े. आई गो इन माई टी शर्ट्स एंड माई शॉर्ट्स, दिस इज़ चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्मी हो, तो देर इज़ नो पॉइंट एंड आई डोंट केयर. राहुल भैया आप जोई के लिए लॉन्ग कोट GSG शैम्पू एक बार यूज़ करो, नवंबर तक जोई के हेयर देखना बता देना. मैं अपने शैम्पूज़ अपने तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा. अभी थोड़े दिन में हम निलाने वाले हैं पूरे पैक को, वो शैम्पूज़ कौन से हम यूज़ कर रहे हैं आजकल और कितने अच्छे हैं. राहुल भैया आपकी जो पुरानी कार थी ग्रैंड विटारा, मतलब संडे को मेरे घर के बाहर खड़ी थी रोहतक से. अच्छा जी, वेरी गुड. योर डॉग्स आर वेरी क्यूट. ब्रो क्लोई की एज क्या है? 7.5-8 महीने हो गई होगी. ओला का हाइग्रोमा ठीक हो गया? हाँ उसका ठीक हो गया भाई, अब हाइग्रोमा की तो बात ही नहीं है. सेक्सी वाइब, आई होप योर मीटिंग वेल टू वेल. आई रियली एन्जॉयड योर मसूरी वाला व्लॉग. जोई इज़ डेफिनेटली वेल ट्रेन एंड ओबीडियंट. जोई डिजर्व्स ऑल योर लव एंड अटेंशन. थैंक यू. राहुल भैया मेरे पास 6 मंथ्स का डॉबरमैन है, लेकिन वो किसी को भी देख कर सुसु कर देता है. उसके टिप्स, उसके अंदर बहुत डर है, या तो उसको आपने बहुत मारा है या उसको बहुत ज़्यादा डराया, या फिर जहाँ से वो आया वो एटमॉस्फेयर उसके लिए ठीक नहीं था. आपको ट्रेनर हायर करना चाहिए जल्दी से जल्दी, और उसकी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, नहीं तो वो इतना डरपोक हो जाएगा उसके पैर भी कांपने लग जाएंगे आगे जाके. यू शुड चेंज चैनल नेम जोई एंड क्लोई. नहीं जी, इट्स GN जोई एंड विल ऑलवेज बी GN जोई. Enjoy your vlogs. Thank you. जोधपुर आएंगे, द पैक वाला हमें फिर दोबारा लिख रहे हैं. राहुल बाहुबली के ओनर ने आपको वीडियो कोई नहीं भेजी मुझे, अगर भेजी होती तो मैं डाल देता. तो अगर वो सुन रहे हैं तो आप भेजना चाहते हो तो भेजो, मैं शेयर कर दूँगा. मस्त हमने ले राहुल भैया, थैंक यू. ईद मुबारक कियान अली, ईद मुबारक जी आपको. लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड आपकी पूरी फैमिली. आयुष शंकर थैंक यू. वीर पुरुष, राहुल आंसर दिस क्वेश्चन विद ऑल ऑनेस्टी, आपके दोनों बच्चे अलग रहते हैं मोस्ट. कल को आपके पेरेंट्स बोले हमें बब्जी और ओली में से कोई एक दे दो साथ रखने के लिए, तो आप क्या दे दोगे? कोई भी नहीं रखेगा. अगर मैं आपको भी ऑप्शन दूँ ना कि आप बब्जी या लेडी ओली में से रख लो, तो आप तब भी नहीं रखोगे चाहे आपके पास फॉर्म हाउस होगा. ठीक है ना,
सेवा करना बहुत बड़ी अलग चीज़ है, सेवा की बात नहीं है। और ऊपर से मेरे बच्चे अलग रहते हैं, दैट इज़ माई डिसीजन, और उनकी बेटरमेंट के लिए वो डिसीजन। ठीक है, आप व्लॉग देखते हो, आप सिर्फ हमारा पूरे दिन का 10 मिनट देखते हो, बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको ये थोड़ी बताता हूँ कि मैं पॉटी करने कब जा रहा हूँ, पॉटी कितनी की है, ठीक है, आज मेरे पेट में दर्द है कि नहीं है, मैं अपने बच्चों से क्या बातें करता हूँ। ये चीज़ आपको कैमरे पे थोड़ी देखिए, आपको 10 मिनट का प्रेजेंटेशन दिखता है, एंड जजिंग ऑन दैट एंड स्टेटिंग कि आपके दोनों बच्चे अलग रहते हैं और आपके मम्मी पापा बोले लेडी वाले बगे आप किसको दोगे, इट इज़ आई थिंक आई एम नॉट ऑफेंडेड बट आई थिंक इट इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ समवन टू इवन कंपेयर माई ह्यूमन किड्स विद माई डॉग्स। क्योंकि पहली बात रीजनिंग हमें पता है, माई एल्डर सन इज़ ऑटिस्टिक, ही नीड्स मोर अटेंशन। हमारा छोटे वाला बाय टच वो ठीक है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद नानी, अगले साल से उसका भी स्कूल परमानेंट शुरू हो जाएगा, वही शिवाय वाला, तो हम सारे इकट्ठे रहेंगे। अभी हम कुछ बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं और उस चक्कर के अंदर वी आर वेरी मच कन्फाइंड विद आर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसलिए वो उधर रहता है। इन दिस फोर डॉग्स विच यूर फेवरेट क्लोज टू हर्ट सारे, आई लव योर व्लॉग्स एंड बींग ए पेट पेरेंट कैन रिलेट माई सेल्फ, एडुकेशन एक्सप्रेस विद एस मिर्सा, थैंक यू। तो गाइस काफ़ी कमेंट्स मैंने ले लिए, हु लुक आफ्टर योर डॉग्स इन योर होम, मम्मी पापा वो मेरे घर के डॉग्स हैं, गली के नहीं हैं, तो ये मत समझो कि वो उनको काट लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। शालिनी शाह, राहुल भैया मुझको आपकी और नमिता भाभी की बचपन की जंग पिक्चर्स, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा अगली बार। तो गाइस आज इतने ही कमेंट्स लेते हैं, टॉप के हमने सारे कमेंट्स ले लिए, सी यू टुमारो, हैव अ गुड वन। और मैं ना आपका कमेंट्स पसीने में ले रहा था, अब मेरा टाइम है अंदर जाने का और इसको एडिट करने का, बाय बाय।